तो बेटा आज आपको लेक्चर जो है इसमें आपको क्वेश्चन 7 करना था एक्सरसाइज का। एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आप सबको अच्छे से आते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बड़ा आसान है और इसमें थोड़ा सा आपको नया देखने को मिलेगा। लेक्चर देखो, अब वो मैं कॉन्फिडेंस आपको इस लेक्चर में फील कराऊंगा कैसे होता है, क्योंकि जो स्मार्ट बोर्ड का एक फीचर है वो यूज करने वाले हैं जिससे आपको वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। ठीक, अब देखो क्या है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, यू हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड देयर इज अ पॉइंट पी विच इज मिड पॉइंट। सो दिस ए पी इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी बी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्लियर। उसके बाद क्या बोला इसने कि ये जो एंगल यहां पे ए बनता है वो इस एंगल बी के बराबर है। देखो ये जितनी भी फिगर है ना इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं, एक बनता है डी ए पी और एक बनता है ई बी पी। तो ये जो दो ट्रायंगल बनते हैं ना आपको आगे जाके यही दिखाने हैं एक कॉन्ग्रेंट है। लेकिन हम हमारे पास जो रूल्स है एस ए एस ए एस ए ए एस, ये सारे हमारे पास रूल्स है, तो उन रूल्स से हम जानने की कोशिश करेंगे उनमें से कौन से अप्लाई कर पाएंगे और हम कॉन्ग्रेंट दिखा पाए। अब देखो आप इधर, तो ये जो ये ट्रायंगल है ना डी ए पी, ये डी ए पी इसमें एंगल ए आ रहा है और ई बी पी में बी आ रहा है, तो ये एंगल, ये दो ट्रायंगल्स मैंने यहां अलग कर दिए। ये है आपका कौन सा ट्रायंगल है ये, सो दिस इज डी ए पी एंड दिस ट्रायंगल इज ये वाला है एंड दिस इज ई बी पी। सो ये दो ट्रायंगल जो है आपको दिखाने है आपस में एक कॉन्वेक्स है। अब मुझे ये आप बोलो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इट्स गिवन। ये मत बोलना कि ये एंगल पी और एंगल पी बराबर है, अभी नहीं पता। देखो इसने आधा इसका दिया है, एंगल पी जो है ना हमारा वो ये है पूरा, और यहां का एंगल इस साइड का, अगर इस वाले एंगल पी की बात करें तो वो ये है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है। इट इज गिवन, इट इज गिवन दैट दिस हियर दैट दिस एंगल ई पी ए, ये जो ई पी ए है ये जितना है उतना ही ये है, लेकिन पी एंगल पूरा ये है ए पी डी, ये एंगल है पूरा, और इस तरह यहां से बी पी ई में ये पूरा एंगल है। तो मतलब इस वाले एंगल को भी इतना चाहिए, इस वाले एंगल को भी इतना चाहिए, वो तो आपस में बराबर हो गए ही। सो सिंस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो जब सेम क्वांटिटी में ऐड की जाए तो ये पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के बराबर आएगा। सो कौन सा एंगल किसके बराबर आएगा, सो दिस डी पी ए डी पी ए, ये एंगल किसके बराबर आएगा, ई पी बी इसके बराबर आएगा। तो ये देखो डी पी ए, ये एंगल किसके बराबर आएगा, ई पी बी इसके बराबर आएगा। इतना ही करना था इसको, बस आपको ये दिखाना था दैट ये जो एंगल है ये वाला यहां तक ये इसके बराबर है। वो आप कैसे करोगे, इसको भी इतना चाहिए इसको भी, तो सेम क्वांटिटी ऐड करनी है ना दोनों में, तो ऑलरेडी वो ऑलरेडी बराबर है, तो एक सेम क्वांटिटी ऐड करने के बाद भी वो बराबर हो गए। आप मानो ये एंगल 30 है ये भी 30 है, सो 30 इज इक्वल टू 30। अब आपने यहां जो ऐड किया मानो ये 15 है, तो दोनों साइड से ऐड होगा ना, सो ये भी 30 प्लस 30 प्लस 50, तो ये भी 45 बनेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 45। आप समझ रहे हो ना मैं क्या आपको बोल रहा हूं, सो दैट मीन्स कि ये अगर देखा जाए ये दो ट्रायंगल्स में आप कैसे इनको कॉन्ग्रेंट दिखा पाओगे, वो ऐसे कि आपको ये एंगल पूरा करना है यहां से भी और यहां से भी, उसके बाद ये दो ट्रायंगल्स में देखो। अब आप मुझे बोलो ये जो एंगल है आपको ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं, तो इनको कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए क्या करोगे आप, ये देखो एंगल ए इस ट्रायंगल में किसके बराबर, एंगल बी के बराबर। क्लियर। और ये ए पी और पी भी तो बराबर है ना, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, सो ए पी यहां लिखते हैं, सो ए पी इज इक्वल टू पी बी, इट्स गिवन। और अब ये एंगल पी, ये इसको हम लिखेंगे ए पी बी किसके बराबर है, सॉरी ए पी डी किसके बराबर है, बी पी ई के बराबर, इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। तो ये ए एस ए, सो बाय ए एस ए दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट होने का मतलब ये बराबर इस पे गिरेगा। अब ये कैसे गिरेगा, इसको फ्लिप करते हैं, अब वो मैं आपको दिखाऊंगा इसको फ्लिप हम कैसे करेंगे और ये बराबर इस पे गिरता है। देखना ये इसको ऐसे सिलेक्ट करके इसको ऐसे ऐसे फ्लिप कर देना है। अब आप इसको यहां पे ले जाओ, देखो ये बराबर इस पे गिरेगा, देखना अब कौन किस पे गिर रहा है, ये देखो ऐसे। अब देखो ये ए डी था, ये ए डी किस पे गिर रहा है, ये बी ई पे गिर रहा है, तो जो जिस पे गिरता है वो इक्वल भी होता है। वो देखो ए डी आपको दिखाना है बी ई के बराबर, असल में ये ऐसे था, सो इट वॉज लाइक दिस, ये कुछ ऐसे था ऐसे, ठीक ना, ऐसे नहीं था, ये
हाँ कुछ ऐसे ही था, हाँ ऐसे था ये, इसको मैंने फ्लिप करके फिर ऐसे लाया, अब इस पे गिरेगा बराबर, और आप खुद देखो कौन किस पे गिर रहा है, तो ए डी किस पे गिरेगा, बी ई पे गिरेगा, और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्वर्ट होते हैं उसके बाद ए डी गिरेगा, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी। मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, इस ये दो ट्रायंगल्स में हमने ये एंगल और ये एंगल बराबर था और ये भी बराबर था, ए ऐसे अप्लाई करने के लिए ये एंगल बराबर होना चाहिए था इसके, लेकिन इसका आधा बराबर था, अब वो जो ऐड होना था वो सेम था, वो इसमें भी ऐड होगा यहां से, इसमें भी यहां से ऐड होगा, तो यहां से ये वाला एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल है ई पी बी, और यहां से ये वाला एंगल बनेगा, ये कौन है ए पी डी, वो बराबर आ गए। उसके बाद ये दो ट्रायंगल्स कॉन्वर्जेंट हो गए, और मैंने आपको दिखाया मतलब ये कॉन्वर्जेंट होने के बाद आपस में कॉन्वर्जेंट, और उसके बाद ये ए डी किस पे गिरेगा, बी ई पे। तो ये इस क्वेश्चन का प्रूफ था, आप आराम से इसका प्रूफ लिख सकते हो, मैंने बस आपको समझाया और उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक वन लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे अच्छे से, उसके बाद एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है।